गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज्यादा बेस्ट सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग टॉपिक. और ये क्यों है इतना ज्यादा स्पेशल? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे मेरे को इंटरमीडिएट में, और वो इसलिए मिले थे क्योंकि ये 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. पेपर नंबर 10 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले इंसान हैं जिसको प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये आपके लिए आपकी खजानों की चाबी जैसे महसूस होगा आपको. मतलब इसमें आपको 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं. तो हम लोग शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला अपना है सेक्शन ए, जो कि है 20 मार्क्स का, और सेक्शन बी है 20 मार्क्स का. वैसे आप लोग को भी जानना होगा ना कि मुझे कितने मार्क्स मिले थे एग्जाम में, पर मैं वो अभी नहीं बताऊंगी. वीडियो को एंड तक देखो, फिर आपको पता चलेगा. ठीक है, तो इसमें हम लोग एमसीक्यू कंपाइलर से पढ़ लेंगे भर भर के, और फिर हम लोग को आराम से मिल जाएगा मिनिमम 15. ठीक है ना, मिनिमम बोलती हूँ मैं हमेशा, मैक्सिमम तो आप पूरा लाओगे, मेरे को भरोसा है. बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना. ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में, जिसमें से अपना आएगा 4 क्वेश्चन अटेंड करना है. एक 10 मार्क्स का है, इसमें तो अपन को 40 मिल ही जाएगा. मतलब कैसे नहीं मिलेगा यार, इतना इजी है. मार्जिनल पढ़ के जाओ, 300 पढ़ के जाओ, और बाकी लर्निंग कर्व भी पढ़ लेना. ठीक है, लर्निंग कर्व के क्वेश्चन आते हैं. अगर आप लोगों को लर्निंग कर्व में प्रॉब्लम होती है, डू कमेंट, आई मेक वीडियो ऑन दैट, आई श्योर यू. ठीक है, जिस भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती मुझे बताइए, मैं आप लोगों को साथ, आपके साथ हमेशा रहूंगी, हमेशा. ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक के हमारे वीडियो में. तो इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग का. जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मार्जिनल सब जगह मार्जिनल है. इंटर में, बीकॉम में, फाइनल में, ग्रुप वन में, ग्रुप टू में, सब जगह. तो मार्जिनल एक बार अच्छे से कर लो ना यार, मतलब 6-7 कॉन्सेप्ट तो गिनती के इसमें अच्छे से कर लो, फिर सब जगह काम आना ही है. मतलब एक बार पढ़ो और 4 जगह ऐसे, एक तीर और 4 निशाने कहीं सुना है, एक तीर और 4 निशाने कहीं सुना है, नहीं सुना है तो अभी सुन लो ना यार, क्या कर रहे हो. ठीक है, और आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं की, सब्सक्राइब करो यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया. देखो मेरे सब्सक्राइबर कितने कम दिख रहे हैं मुझे, सिर्फ 34 सब्सक्राइबर है, 50 तक जाना है मुझे. प्लीज हेल्प मी आउट, मैं तुम लोग की इतनी हेल्प कर रही हूँ, तुम लोग इतना नहीं कर रहे हो मेरे लिए. चलो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे. आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप लोग मेरे को जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर तक लेके जाओगे. तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अपने इसमें वेरियंस है. स्टैंडर्ड वाला चैप्टर है ये. स्टैंडर्ड वाले चैप्टर में ये देखो, स्टैंडर्ड चैप्टर के बारे में बताऊंगी मैं आपको कि जो स्टडी मैट है वो थोड़ा बेकार है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक भी रहता है. आई एम सो सॉरी टू से, बट मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच है यार, ऐसा है ही. सबको प्रॉब्लम है, मेरे को पता है आपको भी प्रॉब्लम है करके. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि मुझे कमेंट में बताइए कि किस टॉपिक में कहाँ पर प्रॉब्लम है, आई हेल्प इट आउट. मतलब मैं आप लोग को बताऊंगी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा दूंगी यार मैं फ्री में, वो भी बस तुमको कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, और फिर हम लोग पढ़ सकते हैं साथ में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो इसी के साथ रेशियो एनालिसिस का चैप्टर है ये. रेशियो एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको अभी काम आएगा, और ये आपके कहाँ पर काम आएगा बताओ यार, प्रैक्टिस में काम आएगा और कहाँ काम आएगा. ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें. ये देखो, इसका ना स्टडी मैट का क्वेश्चन आता है अक्सर, और अगर ना रेशियो का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर बन जाएगा. मतलब ऐसा फॉर्मूला रटने में मत जाना कि यार इसका फॉर्मूला ही होता है, टफ यार, याद नहीं हो रहा यार, ऐसा वैसा ऐसा. प्लीज टेंस नहीं होना है, दिमाग लगाओ हर चीज में, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. आगे हमारा है बजट. बजट तो बहुत ज्यादा ईजी, आप अच्छे से स्टडी मैट सॉल्व करके जाओ, 2-3 बार स्टडी मैट सॉल्व कर लोगे, पूरा पेपर में 100 में 100 आ जाएगा. 5 बार पूरा स्टडी मैट को अगर आप 5 बार सॉल्व कर लिया ना, 100% आपका 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप सिली मिस्टेक नहीं करते तो, है ना. मतलब सिली मिस्टेक तो मुझसे भी हो जाती है, तो डू अवॉइड टू सिली मिस्टेक तो अवॉइड कर ही सकते अपन. ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. तो आगे में है अपना ये मार्जिनल का क्वेश्चन, फिर से आ गया यार. मार्जिनल तो तुम लोग कर ही लेना, मेरे को पूरा 100% उम्मीद है कि मार्जिनल सब लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे, और रेशियो भी. ठीक है, रेशियो मार्जिनल बहुत ईजी है. और इसके बाद फिर अपना आगे क्वेश्चन है कैश फ्लो का, मेरा मतलब फंड फ्लो का क्वेश्चन है. बट ना अपन जो है ना कैश फ्लो भी करके जाएंगे ना, तो कैश फ्लो फंड फ्लो थोड़ा एक जैसा ही है, और कैश फ्लो ना आपको अकाउंट्स कॉस्ट सब में हेल्प करेगा. ठीक है, फिर ये फिर से हमारा आ गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप करके जा रहे हो ना, फिर आ गया रेशियो, ये भी करके जाना. ठीक है, ये आ गया हमारा प्यारा चैप्टर फंड फ्लो, जिसका भाई है कैश फ्लो, जो कि हमारा एक तीर से 2 निशाना लगाएगा अकाउंट्स प्लस कॉस्ट में. ठीक है, तो बिल्कुल भी हमको
गलती नहीं करनी है। और क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। मैं जो बता रही हूँ टॉपिक्स उसको अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे मार्क्स आएंगे पक्का से। और अगर प्रैक्टिकल पेपर है तो और थ्योरी क्यों लिखेंगे हम, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखना। अगर एकदम से प्रैक्टिकल नहीं बनता तो थ्योरी का सहारा ले सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल भी जरूरत नहीं है थ्योरी लिखने की। नो नीड टू राइट थ्योरी, इतना बड़ा बड़ा कौन लिखता रहा अगर हाथ दर्द होता। अभी तो वैसे भी पैटर्न चेंज कर दिया। चलो ठीक है, इसके साथ पैटर्न चेंज होने की खुशी में, ठीक है मैं समझ रही हूँ, बट ठीक है एक चीज तो अच्छी हुई है, मेरा फेवरेट केस स्टडीज डाल दिए। पहले ना केस स्टडी नहीं आता था, अभी केस स्टडी आ रहा है तो मैं खुश हूँ। देखो केस स्टडी पढ़ने के लिए अपन को स्कैनर में जाना है और फिर वहां से जल्दी जल्दी पूरा पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। केस स्टडी पढ़ के जाओगे तो तुमको ही फायदा होना है, क्योंकि केस स्टडी ना इंटरेस्टिंग होती है, मतलब पढ़ाई में ऐसे ना मिर्च मसाला डालने का काम करता है केस स्टडी, तो इसलिए मजा आता है उसको पढ़ने में। तो फिर अच्छे से पढ़ के जाना, और क्या बोलूँ मैं। उसके बाद आप लोगों को मेरे मार्क्स आने की एक्साइटमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, बस बताने ही वाली हूँ मैं, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ये देखो कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ क्यूट। ठीक है फिर हम लोग यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अरे 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 मैं भूल ही नहीं हूँ, बता रही हूँ बता रही हूँ, आई हैव स्कोर्ड। चलो गैस करो ना, गैस करके मेरे को कमेंट में बताओ क्या क्या गैस किया था आपने। 89 एंड आई वॉज, मतलब जिस दिन पेपर का रिजल्ट आया था और मैं क्या बताऊँ, मैं कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी देख के। हमारे फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स, हाँ मार्क्स मेरा ही आया था इस सब्जेक्ट में, मतलब सब्जेक्ट वाइज बोल रही हूँ मैं। और मैं इतनी 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 ज़्यादा खुश थी ना, और आगे की स्टोरी मैं इस वीडियो में नहीं बता रही, ठीक है। आप सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो मुझे कि मेरे को आपकी सक्सेस स्टोरी जानना है, फिर मैं बताऊँगी। तो यहीं पे करते वीडियो को एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक इट। Stay happy, stay safe. Thank you so much. Subscribe कर देना. Bye bye.